नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास चर्चा सरोकार में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नुजहत परवीन सिद्दीकी। हमारी आज की चर्चा है ई बैंकिंग साइबर क्राइम। डिजिटल इंडिया अभियान के बाद देश में मोबाइल और वॉलेट और इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग तेजी से बढ़ा है, लेकिन उपभोक्ताओं में जानकारी का अभाव और छोटी छोटी चूक से धोखाधड़ी के मामले में भी तेजी से इजाफा हुआ है। ऐसी चूक हम सभी इंटरनेट बैंकिंग सुविधा एक्टिवेट करते समय सुरक्षा प्रश्नों के चयन में करते हैं। बैंकों से जुड़े साइबर क्राइम के तहत पिछले 3 वित्त वर्ष में 43,204 यानी रोजाना 39 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसमें अपराधियों ने 232.32 करोड़ रुपए की सेंध लगाई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़े साइबर अपराध के 13,083 मामले सामने आए हैं, जिनमें 80.64 लाख करोड़ रुपए की राशि शामिल है। वित्त वर्ष 2015-16 में मामलों की संख्या बढ़कर 16,478 पर पहुंच गई, जबकि राशि घटकर 79 करोड़ रुपए रह गई। साइबर अपराधियों के निशाने पर सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड रहे। अप्रैल 2013 से जून 2017 के बीच कुल 57,853 मामले सामने आए, इनमें से 38,085 मामलों में क्रेडिट कार्ड धारकों को 185.39 करोड़ रुपए की चपत लगी। एटीएम से जुड़े 19,068 मामलों में 99.61 करोड़ रुपए की राशि और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़े 700 मामलों में 44.97 करोड़ रुपए की राशि शामिल रही। देश में इस वक्त आए दिन ऑनलाइन ठगी की खबर आती रही है। अक्सर देखा जाता है किसी बैंक से डेबिट कार्ड ब्लॉक होने के नाम पर कॉल आती है। ये कॉल ऑनलाइन ठग करते हैं और डेबिट कार्ड ब्लॉक होने की बात करते हैं। इसके बाद वो आपके मोबाइल फोन पर आई हुई ओटीपी मांगते हैं और अगर आप इस जाल में फंसकर ओटीपी दे देते हैं तो आपका अकाउंट खाली। ये पूरा रैकेट बहुत सुनियोजित तरीके से काम करता है। इंटरनेट बैंकिंग के साथ क्या बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम, क्या अपनाया सिक्योरिटी सिस्टम, ई बैंकिंग में क्या बैंकों की भी जिम्मेदारी है सावधानी बरतने की, समय के बचत के लिए ई बैंकिंग कितनी सही, इन्हीं सब पर है हमारी चर्चा। और चर्चा में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। हमारी आज की चर्चा ई बैंकिंग साइबर क्राइम में जो मेहमान हैं उनमें मोनिस अली, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ हैं सलीम खान, जो कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रदीप चौरे, जो कि शिकायतकर्ता भी हमारे साथ शामिल है, बहुत स्वागत है आपका। और एस वाई खान, जो कि सीनियर मैनेजर हैं बैंक में, आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जो बात हम ठगी की कर रहे हैं, बैंकिंग ठगी के मामले काफ़ी इजाफा हुआ है, काफ़ी बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, आपसे जान लेते हैं कि आप भी इससे दो चार हो चुके हैं, क्या कुछ रहा मामला? देखिए, जैसे जैसे हम लोग कैश फ्री की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके साथ ही खतरा जो साइबर क्राइम का भी बढ़ता जा रहा है। और हर व्यक्ति इतना ज़्यादा सावधान नहीं रहता है कि वो जितने जो बैंक बताता है उनको सावधानी बरतने का, वो सावधानी बरते। उसी प्रकार हालांकि मैंने काफ़ी सावधानियां बरती, लेकिन मेरे साथ भी इसी प्रकार के वाकया हुआ जिसमें मुझे लगा कि कितनी ही आप सावधानियां बरत लें, लेकिन साइबर क्राइम वाले आपसे एक कदम आगे रहते हैं। और यही कारण है कि एक नेगेटिव पॉइंट है इसका नेट बैंकिंग का। बिल्कुल, आपके साथ किस तरह की अगर बात करें ठगी हुई ई बैंकिंग के मामले में, तो किस तरह का? देखिए, मैं परिवार के साथ में गोवा में समय बिताने के लिए मैं सर्फिंग कर रहा था अलग अलग साइट्स पे जाकर के कि कौन कितना पैकेज दे रहा है उस हिसाब से। तो उसमें मैं एक वेबसाइट पे गया, वो था मेरे ख्याल से इट वाज कोई सी वेबसाइट थी जो कि ये पैकेजेस दिया करती थी, अच्छे थे उनके। तो मैंने सिर्फ उसमें सर्फ किया और फिर मुझे जमा नहीं, तो मैंने सीधे सीधे होटल वालों से बात करी फ़ोन करके और फिर मैंने वहाँ चला गया गोवा समय बिताने के लिए। अपने परिवार के साथ में गया था मैं पूरे, वहाँ पर हमने थोड़ी शॉपिंग भी करी पोर्ट ब्लेयर में, गोवा की जो कैपिटल है वहाँ पर। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि यूजुअली जब भी आप कहीं पर कुछ शॉपिंग करते हैं तो आपके पास दो तरीके रहते हैं, या तो आप खुद जाकर के अपना कार्ड, डेबिट कार्ड वहां पर जाकर के उसको स्वाइप कराएं, या दूसरा अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपके पास एक ओटीपी के लिए वहां से मैसेज आता है, या वो बताते हैं कि आपने यहां पर वो किया है। लेकिन मेरे पास इस टाइप का कोई मैसेज नहीं आया, ओटीपी से भी कोई मैसेज वहां ओटीपी भी नहीं आया कि आपने यहां पर अपना कार्ड यूज किया है। और मेरे पास जो है booking.com नाम की साइट थी, वो
और मैं वहां पर समय बिता रहा हूं और मेरे को वहां पर एक मैसेज मिलता है यूको बैंक से। पहले उसने मैसेज नहीं भेजा ओटीपी का, लेकिन वहां अब मैसेज मिल रहा है कि आपके उसमें से इतना इतना पैसा कट चुका है। तो मुझे बताया गया कि इस होटल कैनलवर्ट बीच रिसोर्ट, नाम मुझे याद है आज भी, से आपका इतने दिन का जो है हुआ है और आपका जो है इतना तो इतना आपके साथ जो मामला जो हुआ, जो आप जिस ठगी का शिकार हुए, उसकी शिकायत आपने कहीं की? जी हाँ, तो मेरे पास तो डॉक्यूमेंट सब थे, तो मैंने जाकर के फिर वापस आया। सबसे पहले तो मैंने अपना कार्ड ब्लॉक कराया जी। कार्ड ब्लॉक कराने के बाद में वापस आकर के मैंने यहाँ साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के पास गया, वहां पर जाकर के मैंने अपनी शिकायत दर्ज कराई और सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने ईमेल और उसके सारे निकाल करके उनको दिए कि मैंने ऐसा उनके साथ कोई करार ही नहीं किया और अगर कुछ पैसा निकलना था तो पहले मुझे इन्फॉर्मेशन देता बैंक जी जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जी जी। ठीक है, हमारे पास बैंक से बैंक अधिकारी यहाँ पर शादाब खान मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि ई बैंकिंग की जो प्रक्रिया है वो क्या है और कस्टमर को किस तरह वो समझाते हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ें रहती हैं अगर बात करें कि जो ठगी होती है बैंक से जी। बैंक में एक तो होती है, जैसा भी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि SBI में के ATM में जो फेक मशीन लगा के और जिसको क्लोनिंग की गई थी कार्ड्स की, तो उसमें तो इंश्योरेंस टेनेबल रहता है, बैंक जो है उन पैसों को रिस्टोर करता है। जो जैसे जहाँ तक कि डॉक्टर साहब के साथ जो हुआ उसका सवाल है, तो बैंक की भी एक प्रोसीजर रहती है, बैंक उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करता है और जो सिस्टम फेलियर है तब तो बैंक, ये बैंक की ड्यूटी बनती है कि वो उस पैसे को रिस्टोर करे। अगर कस्टमर के एंड पे रहता है तो भी ये देखा जाता है कि कितनी प्रतिशत गलती कस्टमर के एंड पे की गई है और कितनी प्रतिशत बैंक के सिस्टम का फेलियर है और उसके हिसाब से उस पैसे का रिस्टोरेशन किया जाता है। बिल्कुल, आजकल अभी जो नया प्रचलन, नई प्रक्रिया आई, उसमें चेक भी ATM में डाल दिए जाते हैं और उसके बाद पैसे निकल रहे हैं, तो वो कितना सुरक्षित माना जा सकता है? देखिए, जहाँ तक चेक से फ्रॉड की बात है, तो अभी जो हम जो ट्रेंड देख रहे हैं आजकल इंटरनेट बैंकिंग और जो ATM से जो ठगी होती थी उससे कहीं ज़्यादा चेक के थ्रू फ्रॉड होते हैं। लेकिन उसमें एक खास बात ये सामने आई है कि जो भी चेक के थ्रू फ्रॉड होगा वो 2 लाख से ऊपर का होगा। कारण ये है कि पहले जो MICR क्लियरिंग होती थी अब CTS क्लियरिंग में चेंज हो गई है, जहाँ पे बैंकर्स के पास सिर्फ चेक की इमेज रहती है उस चेक को पास करने के लिए। तो इस कंडीशन में उस चेक को बनाने की कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा आती है कि जो ठगी की जाती है वो बड़े अकाउंट्स में की जाती है जिसमें हाई वैल्यू चेक्स लगा के पैसे निकाले जाते हैं। इसमें एक खास बात और ये है कि NRI कस्टमर को ज़्यादा शिकार बनाया जाता है, क्योंकि नॉर्मली वो इंडिया में रहते नहीं हैं। बैंक के पास एक प्रोसीजर है कि जब मोबाइल नंबर चेंज किया जाता है तो आपके पुराने मोबाइल पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो कई बार मैसेज सेंटर से फेल हो जाता है NRI कस्टमर्स के लिए। तो इसमें खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि जो आपकी चेकबुक है वो आप अपने सेफ में रखें, अलमीरा में रखें। जब चेक आप जिस चेक को आपको पास करना है उसी में साइन करें, साइन चेकबुक ना रखें। और कभी भी आपका जो मोबाइल नंबर है जो आप यूज़ करते हैं वो आप एक बार सुनिश्चित कर लें कि बैंक में वही मोबाइल नंबर अपडेट है, क्योंकि जब भी वो चेक पास होने आएगा तो आपको उस नंबर पे कॉल आएगा। जब तक आप कंफर्मेशन नहीं देंगे तब तक बैंक वो चेक को पास नहीं करता है। बिल्कुल मोरी जी, आपसे जानना चाहेंगे ई बैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन मनी ट्रांजेक्शन होता है उसमें किस तरह की सावधानी बरती जाए और किस तरह के फ्रॉड होने की गुंजाइश ज़्यादा दिखाई देती है? देखिए, सबसे पहले तो जब ई बैंकिंग की हम बात करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पासवर्ड को सिक्योर रखें। यूजुअली लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अपना पासवर्ड बहुत ही सिंपल रख देते हैं, लाइक मे बी देयर फैमिली मेंबर्स नेम और मे बी देयर बर्थडे और समथिंग लाइक दैट। तो सबसे पहले तो आप पासवर्ड को अपने सिक्योर रखें, कभी भी ईजी पासवर्ड ना रखें। कोशिश करें कि आपके पासवर्ड जो है वो कॉम्बिनेशन हो अलग अलग तरीके की चीज़ों का, लाइक उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए, जैसे कि @ या $ एंड उसमें नंबर्स होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए, ताकि जो इन लोगों के पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं दैट इज़ लाइक की लॉगर्स, तो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज़ वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हैं, जैसे कि नाम हो गया, कंट्री नेम्स हो गए। तो अगर आपका पासवर्ड इस तरीके का है जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, तो आपकी पासवर्ड की सिक्योरिटी बढ़ जाती है। रिगार्डिंग जो ई बैंकिंग है तो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले जैसे सर ने बताया कि अपना नंबर अपडेटेड रखें, बिकॉज यूजुअली व्हाट हैपेंस इज बैंक हमेशा ट्रांजैक्शन से पहले आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उसके ऊपर एक वन टाइम पासवर्ड भेजता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका अगर पासवर्ड अगर आप अपडेटेड है, आपका मोबाइल नंबर कनेक्टेड है, आपका ईमेल एड्रेस कनेक्टेड है, तो बैंक जब अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो बैंक विल आस्क यू, यूजुअली यही होता है कि बैंक आपके पास एक OTP भेजता है और उसके बाद जब आप उस OTP को एंटर करते हो
तब ही ट्रांजैक्शन होता है. तो कोशिश करें कि अपडेटेड नंबर ही रखें अपना. एंड यस दैट्स इट. बिल्कुल सलीम जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, इस तरह के मामले जो हो रहे हैं उसमें इजाफा यानी काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी चिंतनीय विषय भी है. क्या कुछ मामले पहले बैंक की अगर बात करें, जिस तरह जो प्रक्रिया होती थी बैंक की, उसमें भी इस तरह के मामले दिखाई देते थे या अब ई बैंकिंग होने के बाद ज़्यादा मामले दिखाई देते? पहले जो मैनुअल बैंकिंग होती थी तो उसमें उतना ज़्यादा अपराध नहीं होते थे, उतने लोग धोखाधड़ी के शिकार नहीं होते थे. लेकिन जब से ई बैंकिंग हुई, ATM आया, क्रेडिट कार्ड आया, तब से इस तरह के अपराध में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है. लेकिन ज़्यादातर ये देखने में आया है जो पीड़ित लोग हैं उनमें जो ATM धारक है या क्रेडिट कार्ड धारक है या खाता धारक है, उनकी थोड़ी सी गलती या लापरवाही से इस तरह के मामले हुए हैं. एक मामला हमने ऐसा भी देखा, बैंक में काम करने वाला अधिकारी ही चीटिंग का शिकार हो गया और उसने चैलेंज से कहा कि मैं तो तुमसे तुम्हारे पैसे निकाल लूँगा. उसने कुछ बोला तो उसने उसके लड़के को फ़ोन लगा दिया और लड़के से उसने नंबर ले लिया, जो ATM कार्ड के पीछे जो नंबर लिखा होता है वो नंबर ले लिया और उस पैसे निकाल लिए. और क्योंकि ये इनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें मेरा ये सजेशन है कि क्योंकि ये अपराध करने वाले पकड़ने वालों से ज़्यादा होशियार होते हैं, तो पुलिस को भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है. वो एक्सपर्ट लोगों से ट्रेनिंग लें और समझें कि इसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से इस तरह के फ्रॉड होते हैं और किस किस प्रकार से फ्रॉड किया जाता है, ताकि अगर कोई रिपोर्ट होती है तो अगर सही एक्यूज. इस तरह के मामले अगर देखे जाते हैं तो किस तरह के सज़ा का प्रावधान है या कितना उस पर चीज़ें एक्शन लिया जाता है? देखिए, एक तो IT एक्ट है. IT एक्ट में 3 से लेकर 7 साल तक की सज़ा है अलग अलग धाराओं में, और साथ में जो IPC की धाराएं हैं 420 वगैरह, 419 वगैरह, तो इसमें भी प्रॉपर सजा का प्रावधान है. कोई किसी के साथ फ्रॉड होता है तो IPC की धाराएं भी लगाई जाती हैं और IT एक्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है. डॉक्टर चौरे, जैसा कि आपने बताया था कि आपका जो मामला था उसमें आपने शिकायत भी दर्ज की और अपने ATM को ब्लॉक कर दिया, उसके बाद किस तरह की कार्रवाई और किसी तरह का मुआवजा भी मिला आपको? देखिए, इस मामले में बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मध्य प्रदेश की पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच को कि उन्होंने बड़े इसको तत्परता से इस केस को लेते हुए किया. वहाँ उनसे कॉन्टैक्ट किया, होटल से भी कॉन्टैक्ट किया और होटल वालों को बताया गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो पर्सनली तो स्वाइप किया गया है. पहले तो उन्होंने इस तरह से बरगलाने की कोशिश करी, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप स्वाइप किया गया है तो आप मुझे इसमें वीडियो फुटेज बताइए जहाँ पर मैं पर्सनली आके स्वाइप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो वहाँ गया ही नहीं था. तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, एक्चुअली आप हमने आपके लिए कमरा बुक रखा था, booking.com की वजह से उन्होंने किया था, तो ये तो उन्होंने कराया, तो आप उनसे बात करिए. तो फिर मैंने booking.com का एक नंबर था, वहाँ भी फ़ोन किया, वो शायद जर्मनी का था, वहाँ मैंने उनको बताया पॉइंट ब्लैंक, उनको बोला कि देखिए अगर आप ये क्राइम इस तरह से करेंगे तो हम सीधे सीधे आपके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे, इंटरपोल को हम एक्टिवेट करेंगे. मैंने थोड़ा सा उनको धमकाया, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम होटल वालों से बोलेंगे कि आपका पैसा वापस कर दें. फिर होटल वालों ने पैसा वापस नहीं किया. फिर साइबर क्राइम से यहाँ पर मैं दोबारा उनका धन्यवाद दूंगा, यहाँ से उन्होंने एक कांस्टेबल भेजा जो कि गोवा गया, वहाँ जाकर के मिला, तब जाकर के उनके पैर के नीचे से धरती हिली और वहाँ से मेरे पास कलकत्ता से उनके वहाँ से बॉसेस का फ़ोन आया कि सही, हमसे गलती हो गई है और हम आपका पैसा पूरा आपके अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, और आप कृपया अपनी रिपोर्ट वापस ले लें. और इस तरह से मैं साइबर क्राइम पर देखा ये जाए कि अगर शिक्षित लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है तो जो चीज़ों के बारे में जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल की बात होगी. अब जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और इस तरह की धोखाधड़ी भी ज़्यादा दिखाई देती है तो फिर कहाँ सुरक्षित है भारतीय, इसकी बात आगे भी करेंगे. शादाब जी, उन्होंने रिवील नहीं किया, मैं बताना चाहूँगा, आपका जवाब देना चाहूँगा, उन्होंने आखिर तक रिवील नहीं किया कि पैसा उन्होंने निकाला कैसे. जी खैर, ये बड़ा मामला है और बड़ी बात है, इसको समझना भी ज़रूरी है. शादाब जी, आपसे समझना चाहेंगे, आजकल जो अक्सर देखा जा रहा है कि एक फ़ोन कॉल आता है और उस बैंक की तरफ से ही बताया जाता है कि आपका ATM डेबिट कार्ड या कुछ भी ब्लॉक हो गया है, उसके लिए आपका पासवर्ड चाहिए, आप एक OTP भी आती है उसमें सब चीज़ें, तो किस तरह का ये मामला होता है बैंक की तरफ से, क्या इसके लिए कोई सावधानी बरतने की भी सलाह दी जाती है अपने कस्टमर? देखिए, पहली बात तो ये है कि बैंक कभी भी आपका ATM पिन नंबर किसी भी हालत में नहीं मांगेगा. ये जो फ़ोन आते हैं, लगभग मैं तो जितनों से मिला हूँ सबको आ चुके हैं,
मैंने एक बार ऐसे लोगों से बात भी की और उन्होंने मुझे भी खुला चैलेंज दे दिया कि आप हमको पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखा दो। मैंने बताया मैं बैंक में सीनियर अधिकारी हूँ, विजिलेंस में था मैं तब, तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये ऑपरेट कैसे करते हो। तो उन्होंने बताया कि देखो सर, हमारा काम है फ़ोन लगाना, दिन में दो मुर्गे भी, जो उनका वो थे, दो मुर्गे भी फंस गए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें सावधानी जो बरतनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम अपनी बैंकिंग लैंग्वेज में फ़िशिंग अटैक भी बोलते हैं। फिशिंग अटैक मतलब आप बेट डाल के वेट करते हो कि मछली कब जाल में फंसे। जहाँ तक ई बैंकिंग की बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सावधानी हमको बरतनी है, वो ये है कि कभी भी किसी भी अनऑथोराइज्ड लिंक के थ्रू अगर कोई वेबसाइट दिखा रही है कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ई बैंकिंग चैनल है, आप इसमें लॉगिन कर लीजिए, तो आप ऐसा ना करें। आप सबसे बेहतर है आप गूगल में जाएं और जो आप रेगुलर अपना यूआरएल डालते हैं उसी यूआरएल के थ्रू आप हमेशा इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करें। क्योंकि अगर आप किसी फर्जी वेबसाइट पर चले गए तो भले ही आपका उस टाइम ट्रांजेक्शन नहीं होगा, लेकिन उस वेबसाइट में आपके जो इंटरनेट बैंकिंग के जितने भी इम्पॉर्टेंट जो पासवर्ड है, जो आपके नंबर्स हैं, वो सारे के सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो इस चीज़ की सावधानी बरतनी है। दूसरा, एटीएम जैसा जो आपका सवाल था कि जब वो कहते हैं कि ये जो एटीएम है वो आपका ब्लॉक हो जाएगा, तो इसके बारे में तो हम भी जागरूक करते हैं अपने कस्टमरों को और आप भी वही चीज़ कैसे पहचाने कि ये सच में बैंक से आया फोन है या फ्रॉड है कोई? बैंक अधिकारी कभी भी फोन करेगा तो आप उनसे बोल सकते हैं कि मैं बैंक में आके ही इस चीज़ को समझूंगा या समझूंगी, तो आपको बिल्कुल तुरंत यही कहेगा कि आप बैंक आ जाइए और आपको टाइमिंग टाइम स्लॉट भी दे देगा जब वो फ्री होगा। तो वो एक जेन्युइन आप समझ जाएंगे कि ये बैंक से ही फोन है। और सबसे अच्छा है कि जो बैंक है आपका, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है, आप उनका एक लैंडलाइन नंबर ज़रूर रखें। कभी भी फ़ोन आए बैंक से तो आप बोले रुके मैं आपको कॉल बैक करता हूँ या करती हूँ, और बैंक का जो ऑथोराइज नंबर है आप उस पर फ़ोन करके एक बार देख लीजिए। दूसरा एक चीज़ और कहना चाहूँगा, एटीएम में लोग जाते हैं पैसे निकालने के लिए, तो अगर वो दो बार कैंसिल का बटन दबा के ऑपरेट करें तो ये संभावना, जिस तरह से कि क्लोनिंग की संभावना खत्म हो जाती है जी, ये करना चाहिए। जी जी मोनी जी, जैसा कि अभी शादाब जी ने बताया कि इस तरह के जो फ़ोन आते हैं उससे थोड़ा सतर्क रहें। मान लीजिए फ़ोन आया और हम उसके शिकार भी हो गए, तो किस तरह वो पूरा डिटेल बैंक का निकाल लेते हैं, किस तरह वो पूरा ट्रांजेक्शन होता है, पूरा अमाउंट एकदम से निकल जाता है, उसके बाद बैंक भी उस पर कोई प्रक्रिया नहीं जताती, नहीं बता पाती, तो किस तरह ये संभव हो पाता? देखिए, इसके काफ़ी अलग अलग तरीके हैं जिनसे मैं अवेयर हूँ। सबसे पहले आपके पास, इनफैक्ट मेरे पास भी ऐसा फ़ोन आ चुका है काफ़ी बार, जैसे सर ने बताया कि सभी के पास ऐसा फ़ोन आता है। तो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज़ वो आपसे बोलते हैं कि हाँ, हम आपको एक हॉलीडे पैकेज दे रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि आपने अपना बिल टाइम पर भरा है या एनीथिंग। एंड देन वो आपसे आपको बोलेंगे कि सर, अभी आपको ना एक बीप के बाद एक वन टाइम पासवर्ड इंटर करना है, या आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका CVV नंबर, जो कार्ड के पीछे 3 डिजिट का नंबर लिखा होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर ट्रांजैक्शन के लिए, आपको वो इंटर करना है। तो आपको कोशिश ये करनी है सबसे पहले कि उस नंबर को आप किसी को ना दें। अगर किसी के पास आपका, देखिए उनके पास आई डोंट नो हाउ, बट आपके क्रेडिट कार्ड की, आपके कार्ड के नंबर की डिटेल तो पहले से ही रहती है। अब की एक तो ये डिटेल भी हम समझना चाहते हैं, ये डिटेल कहाँ से मिल जाती है उनको, किस तरह वो इस डिटेल को पा लेते हैं और फिर उस पर ही पूरा उनका योजना होती है, इस तरह फंसाना है लोगों को? यूजली इनके पास बहुत सारे हैकिंग के तरीके होते हैं, जिससे कि ये पूरा बैंक का डेटा डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे कि हमारे बिल्स जहाँ से जनरेट होते हैं। आई डोंट नो हाउ एग्जैक्टली वो करते हैं, बिकॉज इनके मेथड्स जो है, ड्यू टू लाइक हमारी साइबर क्राइम टीम जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो जैसे ही वो उनका एक तरीके को पकड़ते हैं, वो अगला तरीका बनाना चालू कर देते हैं। इस तरीके से हमेशा ये डिफरेंट तरीके अपनाते हैं बैंक का डेटा डाउनलोड करने के लिए। और यूजली क्या होता है, जैसे कि कई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स भी हैं, तो ये लोग कई बार फर्जी पेजेस बना लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के, जहाँ पे आपको दिखेगा कि 1 रुपए के अंदर आपको फ्रिज मिल रहा है, टीवी मिल रही है, और आप तुरंत ही कई बार उसको डील समझकर बिना देखे कहाँ का URL है उस पर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाल देते हैं, तो उससे उनके पास क्रेडिट कार्ड आ जाता है। कई बार ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि सर ने बताया बेट या फिशिंग, तो आपको कुछ ऑफर भी करेंगे, मे बी लाइक से आपको कुछ बहुत अच्छा आइटम वो दिखाएंगे कि हम आपको बहुत अच्छा आइटम दे रहे हैं अगर आप 1 रुपए में या 2 रुपए परचेज करते हैं, या एनीथिंग आप कुछ भी परचेज करते हैं उनके पास से। वो फर्स्ट टाइम में हो सकता है कि आपके पास आइटम डिलीवर भी हो जाए, बट नाउ दे आर हैविंग योर कार्ड डिटेल्स। अब उनके पास आपकी कार्ड डिटेल्स है, और अगर एक बार आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या ATM डेबिट कार्ड डिटेल्स आपकी है, वो CVV नंबर उनके पास है,
तो अब वो कहीं पर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरी है कि आप अपने मोबाइल नोटिफिकेशन पे ध्यान दें, और अगर आपको ज़रा सा भी कुछ शक होता है तुरंत अपने बैंक को कॉल करें और उनसे पूछे कि सर ये ट्रांजैक्शन अगर मेरा हुआ है तो ये कहाँ हुआ है, और आप अपने स्टेटमेंट्स हमेशा चेक करिए कि हिस्ट्री आखिर आप पता तो चले आपको कि एक एक रुपये आपका जा कहाँ रहा है। सो दैट्स व्हाट दे डू। बिल्कुल सलीम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो चूक होती दिखाई दे रही है उसका जिम्मेदार किसे माना जाए? देखिए, एक तो हमारा सिस्टम को ऐसा डेवलप करना चाहिए, इस तरह की जो घुसपैठ है साइबर अपराध करने वाले लोग ना कर पाए किसी भी तरह से, इतना 100% ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तरह के अपराध ना हो, ऐसा सुरक्षा सिस्टम हमको डेवलप करना चाहिए। दूसरा, ग्राहकों को भी बहुत ही अवेयर रहने की जरूरत है, उनकी लापरवाही से इस तरह के वो लूट के ठगी के शिकार हो जाती हैं, फिर बाद में परेशान होती है। तो मेरा यही कहना है कि सिस्टम भी ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम डेवलप हो, साथ ही उपभोक्ताओं को अवेयर रहना चाहिए और उनको सतर्क रहना चाहिए, अपना नंबर, अपना CVV नंबर या कार्ड नंबर या पासवर्ड या ये कुछ देना नहीं चाहिए किसी को। शादाब जी, जैसा कि एक अकाउंट खुलता है उसके बाद पूरी प्रक्रिया कस्टमर को समझाई जाती है, तो क्या कुछ इस तरह की चीज़ों को भी अवेयर किया जाता है कि आप कितना ट्रांजैक्शन एक बार में करते हैं या आपका जो अमाउंट होता है? अचानक कई बार ऐसा होता है कि किसी के अकाउंट में ज़्यादा पैसे आ जाते हैं जबकि उन्होंने खुद नहीं किया होता, और कई बार ऐसा होता है कि किसी के अकाउंट से निकल जाते हैं जो कि उन्होंने खुद नहीं किया। तो इस तरह की चीज़ों के लिए भी, जबकि बात करें शिक्षित के अलावा आजकल मजदूर तबके के लोग भी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको किस तरह अवेयर करते हैं? इसमें देखिए, बैंक समय समय पर कैंपेन भी निकालता है, और अभी हाल ही में हमने सुरक्षा सप्ताह भी मनाया था, उसमें भी कई गांव में लगभग सभी जो PSU बैंक्स हैं उन्होंने वो जागरूकता फैलाने की कोशिश की थी। देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी जैसे आपने हम पूछा कि ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है और क्या सिक्योरिटी फीचर्स हैं, हर कार्ड की अलग अलग सिक्योरिटी फीचर होती है। चिप बेस्ड कार्ड भी आते हैं, नॉर्मल जो हम लीगेसी सिस्टम में कार्ड यूज करते हैं वो भी आते हैं, सबका अलग अलग लेवल ऑफ सिक्योरिटी रहता है। ये बहुत जरूरी है कि जो कार्ड आपको मिला है उसके साथ जो अकंपनिंग लेटर बैंक ने जारी किया है उसको अवश्य एक बार जरूर पढ़ लें, उसमें कई चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि हमको कहाँ पे सावधानी रखनी है। दूसरा, जो हम कस्टमरों को हमेशा समझाते हैं कि जो खासकर जो अशिक्षित वर्ग है वो क्या करते हैं कि अपने ATM कार्ड के कवर पे ही पिन नंबर लिख के रखते हैं, तो वो हम इनवेरिएबली उनको समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना है। और बैंक ने अब जो सिस्टम शुरू किया है वो है ग्रीन पिन का। ग्रीन पिन में अब ये कर दिया है कि पहले ATM आता था, फिर बाद में पासवर्ड आता था, पासवर्ड खोल के आप अपने ATM को यूज़ कर सकते थे, अब उस प्रक्रिया को ही ख़त्म कर दिया है। ATM इशू हो जाता है, ग्रीन पिन का मतलब है कस्टमर जाएगा ATM मशीन में, अपना पिन खुद जनरेट कर लेगा, और पहले तो पिन चेंज करने की प्रक्रिया भी बहुत मुश्किल थी, अब तो आप रोज़ चेंज कर सकते हैं। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर इसीलिए डाला गया है इन अटैक्स को देखते हुए जो रोज़ाना हो रहे हैं। देखा जाता है जिनको ATM ऑपरेट करना नहीं आता वो दूसरों की मदद लेते हैं, तो क्या कुछ भी इस तरह की भी आसानी उनके लिए भी बैंक प्रोवाइड कराता है? जी, ऑन पेपर्स तो नहीं है, लेकिन जो गार्ड तैनात रहते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि हमेशा अगर आपको ATM ऑपरेट करना नहीं आता है, आपको किसी तरह का समझना है ATM का, तो आप गार्ड की हेल्प ले सकते हैं। बाकी क्योंकि जो ये जो ATM से जो चोरी की घटनाएं हुई हैं उसमें ये तमूमन की पहले रेकी की जाती है, पहले वहाँ पे जो ठग हैं या जो जो फ्रॉडस्टर हैं वो पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ पे गार्ड तैनात है कि नहीं, यहाँ पे वॉक इन कितना होता है, यहाँ पे कहाँ पे हम अपना जो मशीन है उसको फिट कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि जो ATM में गार्ड तैनात है आप उसकी मदद लें, किसी अन्य व्यक्ति की मदद ना लें। मोरिस जी, किस तरह की वेबसाइट पर भरोसा किया जा सकता है? जी, सबसे पहले तो आप देखिए कि वेबसाइट सिक्योर है या नहीं। आपने देखा होगा जब आप URL जहाँ पे टाइप करते हैं www.xyz.com, तो वहाँ लेफ्ट हैंड पे लिखा होता है सिक्योर या नॉन सिक्योर। तो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज़ टू चेक कि वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। और उसके बाद यूजुअली अभी आप ये देखिए कि उसका डोमेन एक्चुअल में गूगल पे अवेलेबल है या नहीं, या उसकी इन्फॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी बैंक की .com पे वेबसाइट है,
कई बार मैंने देखा है कि लोग उसका उसी नाम का या फिर उससे बहुत सिमिलर नेम को यूज़ करते हैं एंड मे बी .co.in या .xyz कुछ भी डाल देते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको यूज़ करना है, आपको चेक करना है कि वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं, तो आप गूगल के ऊपर उसका डोमेन डाल के देखिए और देखिए लोगों ने उसके बारे में क्या रिव्यूज़ लिखे हुए हैं, क्योंकि यूजुअली यही होता है कि अगर किसी के साथ एक बुरा एक्सपीरियंस होता है या फ्रॉड होता है तो वो कोशिश करता है कि अगले बंदे को भी अवेयर करवाए। तो गूगल के ऊपर फोरम्स बने हुए हैं, तो उन फोरम्स पर चेक करिए कि उस वेबसाइट के बारे में क्या लिखा है, वेदर इट्स अ जेन्युइन साइट और नॉट। बिल्कुल जागना ज़रूरी है क्योंकि अब पूरी दुनिया आपकी सिमट गई है डिजिटल इंडिया में। बिल्कुल, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला DNN पर लगातार जारी है, आप बने रहें DNN के साथ। तो आज हमने चर्चा की कि ई बैंकिंग में बढ़ते साइबर क्राइम को किस तरह रोका जाए और इससे होने वाले जो पीड़ित हैं वो किस तरह अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं और उससे वो बाहर आ सकते हैं। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला DNN पर लगातार जारी है, आप बने रहिए।